गुड मॉर्निंग एवरी वन साउंड लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन एयर के थ्रू आपके व्यूज एंड एक्सपीरियंसेस कलेक्ट किए थे अबाउट डिफरेंट कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशंस एंड देयर हैंडलिंग आज हम बात करेंगे अबाउट द नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन जैसा कि हम जानते हैं स्कूल एक कंड्यूसिव इन्वायरमेंट प्रोवाइड करता है फॉर इंकल्केशन ऑफ स्किल्स वैल्यूज एंड बिहेवियर। बिकॉज ऑफ विच स्कूल एक बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चों के समग्र विकास में सब्जेक्ट की इम्पोर्टेंस इसलिए जानना जरूरी है बिकॉज ये आपके उस सब्जेक्ट को सीखने के मोटिवेशन और इंटरेस्ट को इफेक्ट करता है जो सब्जेक्ट आपको जरूरी या इम्पोर्टेंट या इंटरेस्टिंग लगता है उसी को आप ज्यादा टाइम देते हैं और सीखने की कोशिश भी करते हैं पीस एजुकेशन एक फ्यूचरिस्टिक सब्जेक्ट है जो प्रिवेंटिव और क्यूरेटिव फिलोसफी पर बेस्ड है यानी किस तरीके से ऐसी कंडीशन से बचा जा सके जिससे कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है बट केस हो जाए तब कैसे उस सिचुएशन को पीसफुली रिजोल्व किया जा सकता है पीस एजुकेशन की इंपॉर्टेंस एक कंसाइज पिक्चर है अबाउट जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर सब्जेक्ट के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में उसका रिलेशन और सब्जेक्ट से उसका इफेक्ट आपकी लाइफ पर एज अ टीचर एंड एज एन इंडिविजुअल अलॉन्ग विथ कौन कौन से स्किल्स आपके डेवलप होंगे इस सब्जेक्ट की हेल्प से शुरुआत से ही बच्चों को अगर रेशनल एंड लॉजिकल थिंकिंग मॉरल एंड सोशल वैल्यूज कॉन्फ्लिक्टन पीस मेकिंग एंड पीस कीपिंग के बारे में सिखाया जाए तो एक बेहतर इंडिविजुअल हम बना पाएंगे और समाज सुखी और समृद्ध भी बन सकेगा पीस एजुकेशन की इम्पोर्टेंस को हम मुख्यतः चार परस्पेक्टिव से समझ सकते हैं जो आप डायग्राम में भी देख सकते हैं वो है पर्सनल सोशल ग्लोबल एंड इकोलॉजिकल आइए तो सबसे पहले हम देखते हैं कि पर्सनल पर्सपेक्टिव से कैसे पीस एजुकेशन हमारी हेल्प करता है इन ऑर्डर टू क्रिएट पीसफुल एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट हमें स्किल्ड इंडिविजुअल्स की जरूरत है पीस एजुकेशन हमें ऐसे इंडिविजुअल को प्रिपेयर करने में हेल्प करेगा जो मॉरली साउंड हो यानी इंडिविजुअल में मॉरल वैल्यूज जैसे काइंडनेस कोऑपरेशन एम्पेथी सेंसिटिविटी आदि एग्जिस्ट करती हूं वो अपने स्वार्थ को छोड़कर सर्वजन हिताय के बारे में भी सोचे कैरेक्टर वाइज वो स्ट्रांग हो यानी एक ऐसे व्यक्तित्व का विकास जिसमें अपने अधिकार को लेकर सजगता तो हो ही साथ में अपनी जिम्मेदारियों की भी समझ हो लाइफ स्किल्स में ट्रेंड हो यानी वो सारे कौशल उसके अंदर निहित हों जो एक अच्छी सुखी एंड संतोष से भरे जीवन जीने के लिए आवश्यक हो मानवता को मानते हो यानी वो बायस ना हो और मानवता को धर्म जाति आदि से हमेशा ऊपर रखे और किसी के साथ अन्याय ना होने दे और साथ ही वक्त आने पर दूसरों के लिए अपने स्वार्थ को सेक्रीफाइस भी करना जानता हो यानी सिर्फ अपने बारे में ना सोचे बल्कि फॉर द सेक ऑफ पीस एंड हार्मनी सेक्रीफाइस भी कर सके मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है उसका एग्जिस्टेंस विदाउट सोसाइटी इज नॉट पॉसिबल पीस एजुकेशन बात करता है ऐसे सोशल एनवायरनमेंट की जो पीसफुल हो एंड सस्टेनेबल भी हो इस एस्पेक्ट के लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल में सोशल वैल्यूज हो, यानी उनमें सहयोग प्रेम और उदारता जैसी क्वालिटीज हो, जो हेल्प करेगा पीस एस्टेब्लिश करने में कॉज जब इंडिविजुअल अपने बारे में ही सिर्फ सोचता है वहीं से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हो जाता है जस्टिस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है पीस के लिए इसके लिए जरूरी है कि इंडिविजुअल्स में समझ हो कि विकास ऑपरचुनिटीज राइट्स सबके लिए हैं चाहे वो किसी भी धर्म जाति या देश का क्यों ना हो हर सिचुएशन में प्रॉब्लम को समझने की और निष्पक्ष होकर उसमें डिसीजन लेने की क्षमता का विकास होना जरूरी है तभी ऐसे समाज का जहां किसी भी तरीके का सामाजिक अन्याय ना हो बनाया जा सकता है सामाजिक एकता का विकास आवश्यक है कॉन्फ्लिक्ट्स को प्रिवेंट करने के लिए कॉज ये इंडिविजुअल्स को दूसरों के हित में सोचना और समझना सिखाता है जिससे आपसी विवाद को बेहतर तरीके से सुलझाया जा सकता है पब्लिक वेलफेयर की बेहतर समझ विकसित करने में पीस एजुकेशन हेल्प करता है। पीस एजुकेशन एम्स टू वर्क ऑन ग्लोबल पीस एंड हैप्पीनेस इट बिलीव्स इन फाइंडिंग आउट वेज टू रिजॉल्व एंड एवरी कॉन्फ्लिक्ट नेशंस टॉक। इसलिए जरूरी है कि इंडिविजुअल्स इक्विप्ड हों विथ स्किल्स ऑफ एडजस्टमेंट एम्पेथी सेक्रीफाइस कम्युनिकेशन पीस एजुकेशन हेल्प्स टू इनकलकेट दी स्किल्स यानी पीस एजुकेशन हमारी मदद करता है हमें एक बेहतर विकास की समझ की एक बेहतर समाज की समझ की। समझ पीस एजुकेशन बात करता है ग्लोबल डेवलपमेंट की जिसमें सभी नेशंस का विकास हो जिसमें एक दूसरे की हेल्प एंड कोऑपरेशन से सारे नेशंस डेवलप हो सकें। एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट हो जो पीसफुल हो पॉजिटिव हो एंड सॉलिडेरिटी से पूर्ण हो इट वुड आल्सो हेल्प इन इरैडिकेशन ऑफ सोशल इविल्स यानी समाज में निहित बहुत सारे ऐसे प्रथाओं की जैसे दहेज प्रथा चाइल्ड मैरिज जातिवाद जिससे ऐसे समाज की स्थापना होगी जिसमें समग्र रूप से संपूर्ण विश्व में स्वीकार किए जाने वाले तत्व होंगे जैसे सत्य न्याय नैतिकता मानवता जो पूरे संसार को एक सूत्र में बांधेगी शांति शिक्षा का इम्पैक्ट बहुत वाइड है इसके माध्यम से पूर्ण विश्व में शांति की स्थापना की जा सकती है शांति शिक्षा के माध्यम से एनवायरमेंट के लिए प्रेम और जिम्मेदारी का विकास किया जा सकता है जो हेल्प हेल्प करेगा उसको सस्टेनेबल बनाने में। ये करता है इंडिविजुअल को अवेयर करने में अबाउट दे रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स एनवायरमेंट एंड साथ में ही डेवलप करता है लव एंड अफेक्शन अपने एनवायरमेंट के लिए इट हेल्प्स इन डेवलपिंग पॉजिटिव एटीट्यूड टमेंट जो हेल्प करेगा कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आफ्टर डिस्कशन अब हम ये कह सकते हैं कि पीस एजुकेशन एक बेहतर इंटेलैक्चुअल एंड इमोशनल डेवलपमेंट के विकास में मदद करता है सामाजिक उत्तरदायित्व और समन्वय को इनकलकेट करने में हेल्प करता है सबको एक नजर से देखने और भाईचारे की भावना को प्रबल करता है प्रॉब्लम्स चाहे नेशनल हो या फिर इंटरनेशनल उनको रैशनल एंड क्रिटिकल नज़रिए से समझने में मदद करता है फ्री डिस्कशंस को प्रमोट करता है इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग एंड अप्रिशिएटिंग अदर्स कल्चर ऐसा रिसर्चर्स ने भी शो किया है कि विद टाइम साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफी एडवांसमेंट होता जा रहा है बट इंडिविजुअल एंड सोसाइटल लेवल पर काफी सीरियस इश्यूज आ रहे हैं जो प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशन के लिए प्रॉब्लमैटिक एंड डेंजरस हो सकते हैं जैसे वॉयलेंस एक्सप्लॉइटेशन हैरेसमेंट का बढ़ना पीसफुल डिमॉन्स्ट्रेशन के बजाय भीड़ का हिंसक हो जाना लोगों का लॉ एंड ऑर्डर को खुद के हाथ में लेना बायसड थिंकिंग होना अपनी गलती को ना मानना हमेशा दूसरों की गलती ही समझना इन सभी सिचुएशंस को देखते हुए जरूरत है एक ऐसी शिक्षा प्रणाली की जो खोई हुई निग्लेक्टेड बट इम्पॉर्टेंट वैल्यूज को इनकलकेट करने में एजुकेशन सिस्टम की हेल्प करे, जिसके माध्यम से ऐसे इंडिविजुअल्स एंड सोसाइटी का विकास हो सके जो पीसफुल हो एंड सस्टेनेबल हो उम्मीद करती हूँ कि आज का क्लास आपको हेल्प करेगा इंपॉर्टेंस ऑफ पीस एजुकेशन को समझने में थैंक यू एवरीवन नेक्स्ट क्लास में हम अगला टॉपिक लेंगे और आपको जो भी क्वेरीज है आप आराम से व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कर सकते हैं थैंक यू